हल्का सा, हाँ इस तरीके हल्का सा, हाँ इस तरीके लिमरा न्यूज, हम दिखाते हैं सच, देश प्रदेश की सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए लिमरा न्यूज। इस वक्त कुछ कहने के लिए बहुत बनता नहीं है, आज पूरा पुराना लखनऊ स्तब्ध है इस घटना की वजह से। इस दुर्घटना में चार ऐसे नौजवान जिन्होंने अपनी जान को गंवाया है, जिनके पीछे शायद वो स्तंभ है अपने घर के खर्चे को चलाने के लिए, और शायद उसके आगे बहुत कुछ कहने के लिए सरकार के पास हो, विपक्ष के पास हो। हमारे पास इस वक्त मिस पूजा शुक्ला हैं, आप जानते हैं अभी विधायकी का इलेक्शन लड़ी हैं। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप अपने इस बयान को ज़रूर आगे तक पहुंचाएं, जिसके ज़रिए उन छोटे छोटे बच्चों को शायद वो तस्कीन मिल सके, वो शायद सपोर्ट मिल सके जो सरकार से मिलना चाहिए। मेरी एक और गुजारिश है जिसके ज़रिए शायद ये सरकार की तरफ से बहुत सारे चीज़ें होती हैं और की जाती हैं, अभी तक सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं है, अपोजिशन में आप हैं, आपका क्या कहना है और आपने सारी नोयत अभी देख रखी है। देखिए, सबसे पहले मैं जो दिवंगत आत्माएं हैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और ईश्वर से ये कामना करती हूँ कि वो अपने श्री चरणों में उनको जगह दे, साथ ही साथ परिवार को साहस दे, क्योंकि जो माहौल है अंदर का वो बहुत भयावह है। बच्चियों ने अपने पिता को खो दिया है, बीवियों ने अपने पति को खो दिया है, और शायद कह सकें कि एक ऐसा दौर उनके सामने आ गया है जब उनके लिए लड़ना भी बहुत मुश्किल है। 6-6 महीने के बच्चे हैं, बेटियां शादी करने लायक हैं, बहुत परेशानियां हैं, लोग परेशान हैं, दुखी हैं, एक भयावह घटना है। उप मुख्यमंत्री ने ट्वीट तो किया, लेकिन मैं उप मुख्यमंत्री और पूरे प्रदेश और सूबे की सरकार से बस इतना कहूँगी कि ये मुद्दा राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये चार वो परिवारों की बात है जो दर्द और संकट को झेल रहे हैं। सरकार को चाहिए कि पूरी सहानुभूति रखते हुए और यहाँ पर आए, और ये जो बच्चियाँ हैं इनकी जिम्मेदारी ले, इन चारों परिवारों के बच्चों की और इनकी बीवियों की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए, क्योंकि इनका भरण पोषण कैसे होगा। इनके पति तो कमाने के लिए गए थे, जब यहाँ से रोजगार छीन लिया गया तो वो वहाँ रोजगार करने गए, और ये बहुत दुखद घटना है अपने आप में। तो बस मैं इतना ही कहूँगी कि राजनीति का विषय नहीं है, मैं यहाँ राजनीति करने नहीं आई थी, हमेशा सबके सुख दुख में शामिल होती रही हूँ। वाकई में कहूँ तो अंदर बैठने के बाद बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है, बहुत इमोशनल हूँ और मैं कुछ कह भी नहीं सकती। बस इतना कहूँगी कि सरकार को राजनीति नहीं करनी चाहिए, यहाँ आकर के इन लोगों की मदद करें, इनको सिर्फ मदद चाहिए, इनको सिर्फ सहानुभूति चाहिए, इनको सिर्फ समर्थन चाहिए। सरकार आए, यहाँ पर मिले, अपना किसी प्रतिनिधि को भेजे, और इनके बच्चों की, इनकी बेटियों की, इनके पूरे परिवार की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए, क्योंकि ये दुर्घटना थी और सरकार का दायित्व है कि वो अपने प्रदेश की जनता के साथ खड़ी हो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजीन, शायद इस वक्त लम्हात ऐसे होते हम जर्नलिस्ट के साथ भी कि कुछ ऐसे माहौल होते हैं कि जहाँ पर जबानें गुल हो जाती हैं।
कहने को कुछ नहीं है, छोटे छोटे बच्चे आप देख सकते हैं। और ये मेरा मतालबा सरकार तक है, सरकार के लोग जिनको हम ये अटैक करेंगे अलग अलग लोगों को, कि जिसके जरिए इन परिवारों को सांत्वना के साथ साथ भरण पोषण के तौर पर जो वो कंपनसेशन है वो जरूर मिलना चाहिए। आइए हम बात करें कुछ और लोगों से जो यहाँ पर आए, इन लोगों के लिए सहानुभूति के तौर पर उनको ताजियत और तसलियत पेश करेंगे। लखनऊ की इस दुर्घटना ने जहाँ सबको स्तब्ध कर रखा है, एक ही मोहल्ले के चार नौजवानों ने जाबाक होना और उनके परिवारों के ऊपर एक ऐसी बिजली गिरना जिसके जरिए हम अपने अल्फाजों को शायद कम कर दें। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कभी कभी ऐसी होती है कि इंसान खुद भी बहुत इमोशनल हो जाता है। मेरा मतलब ये कि सरकार द्वारा जिस तरीके से इस दुर्घटना में मारे गए लोग हैं, उनके परिवार हैं, ये सारे लोग वो थे कि जिनका भरण पोषण उनके ही कंधों पर था। इसमें सारे नौजवान जो छोटे छोटे बच्चे जिनके हैं, सरकार अगर चाहे तो इनको अपने कंपनसेशन के जरिए इनके परिवार को फिर से खड़ा कर सकती है। हमारी गुजारिश ये है कि हम उन लोगों से भी बात करेंगे जो यहाँ पर बहुत सारे नेता भी आए हुए हैं। जाहिर सी बात है आज अल्फाजों से नहीं खेलना है, कोई गम पर मदावा भी नहीं हो सकता, लेकिन कोशिश ये होगी सरकार अपनी बातों पर जो अडिग रहती है उनके जरिए उन लोगों तक कंपनसेशन पहुंचे और लोगों को जो यहाँ से जाबाक हुए हैं उनके जरिए उनको रोजी रोजगार के तौर पर उनको एक सहूलियत मिले। ये सर सब ये कहते हैं कि भगवान की करनी है, खुदा की करनी है, शायद सी बात है, हर आदमी इस पर सब्र करता है, लेकिन सरकार के जरिए बार बार मेरा मतालबा ये है कि शायद अभी मुझे पता है कि डिप्टी सीएम यहाँ आने वाले हैं, उनसे भी मैं गुजारिश करूँगा कि सरकार इस बात पर ज़रूर गौर करे कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके भरण पोषण की कोशिश की जाए। बहुत सारी स्टोरी ऐसी होती हैं जिंदगी के हर मुकाम पर इंसान को शायद अपने अल्फाज गुम होते हों। एक पत्रकार की हैसियत से बहुत सारी स्टोरी मैंने की है, लेकिन आज इस पुराने लखनऊ के तमाम लोग जिनका इस घर से कोई रिश्ता भी ना होगा अपनी आँखों को नम आँखों को लेकर यहाँ पर आए। एक स्टोरी सबसे ज़्यादा जो दर्दनाक है, शावेज जो जिसके घर पर हम खड़े हैं, इसकी एक छोटी सी बच्ची है, बच्चा है जिसके दिल का ऑपरेशन होना, हार्ट में कुछ सिंड्रोम्स हैं, उसका ऑपरेशन होना है, और यहाँ के लोग कह रहे हैं कि वो बच्चा उसकी कोशिश में था कि अपने बच्चे को इस बीमारी से कैसे निकाला जाए। तो मेरी फिर वही गुजारिश है कि हम सरकार द्वारा और सरकार के अलावा जो लोग हैं, एनजीओज हैं जो अलग अलग तरह से लोगों की मदद करते हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि हमारे चैनल के जरिए अगर आपको ये अपील पहुंचती है तो इस खानदान के लिए, इस परिवार के लिए, उसकी बच्ची के लिए कुछ करें, ताकि तमाम वो लोग जो कि इस मुसीबत में उनके साथ हैं, उनके साथ संवेदनाएं तो जरूर प्रकट कर रहे होंगे, लेकिन सोशल ऑरा ये कहता है कि उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी जरूर दिया जाए। मैं कोशिश करूंगा कि इस पूरी कवर स्टोरी के जरिए अपनी भावनाओं को कंट्रोल करूं, लेकिन जाहिर सी बात है कि आज जिस मरहले से पूरा पुराना लखनऊ गुजर रहा है, इसके लिए शायद अल्फाज और उनकी आवाजें गुम पड़ जाएं। हम इस वक्त मौजूद हैं आमिर के घर पर। अभी जो हादसा हुआ है, मैं बार बार अपनी इस कवर स्टोरी में ही कह रहा हूं कि अल्फाजों से खेलने वाला शख्स भी आज गुंग हो जाएगा। पूरा पुराना लखनऊ इस वक्त इस गम के माहौल में है, क्योंकि अगर एक ही मोहल्ले से चार मैयतें उठती हूँ तो शायद इसके बारे में बहुत कुछ कह भी नहीं सकते। कि जिसके जरिए ये बताया गया कि मुझे बताया गया कि इनकी छोटी छोटी दो बच्चियाँ हैं और ये अपने घर के कमाने वाले इन चारों फैमिलीज में जो अपनी जिन्होंने जान गंवाई है, इसमें सब अपने घर के एक सुतून यानी एक पिलर थे, और उनके गिर जाने से आप समझ सकते हैं कि उनकी फैमिली पे क्या गुजरी होगी। जाने वाला चला जाता है, दर्द छोड़ जाता है, और इन दर्द के सहारे इनकी फैमिली को जीना भी है, लेकिन हमारी कोशिश यह है कि हम इन दर्द के साथ, इनकी सहानुभूति के साथ, अपनी कुछ फाइनेंशियल कंडीशन के साथ इनकी ऐसी मदद करें कि जिसके जरिए ये पूरी फैमिली और उनके बच्चे अपनी तालीम के साथ इस मुस्तकबिल रोशन को और मुस्तकबिल कर सकते हैं। तो हमारी गुजारिश है कि आप इन्हें ज़रूर याद रखें, क्योंकि हमारी इस स्टोरी का मकसद यह है कि हम बात करें उन लोगों से कि जो सरकार में हैं और सरकार के जरिए आज इस हादसे में, शायद आप अगर देखें, हम मैंने जैसे आपको तमाम विजुअल्स दिखाए हैं, छोटे मामबाड़े से लेकर यहाँ तक हर एक बंदा कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इस तमाम फैमिली से जुड़ा हुआ था। कोई का दोस्त था, कोई का भाई था, किसी का कोई और रिश्तेदार था। इस जरिए से नौजवानों के लिए शायद बात तो होगी बहुत सारी, लेकिन मेरी गुजारिश यह है कि सरकार में जो तमाम लोग बैठे हैं उसके जरिए इनके बच्चों के लिए और इनके बच्चों की आने वाली तालीम के लिए ज़रूर कोशा रहे। तो हम आज पूरी कोशिश करेंगे उन लोगों से बात करने के लिए जो यहाँ पर मौजूद रहेंगे, चाहे वो यहाँ से बहुत सारे लीडर्स भी आए जिनसे हमने बात करने की कोशिश की है, हम बात करेंगे उन लोगों से के जो सरकार में इस वक्त मौजूद है। बात न कर कुछ जुमले जो आप हमसे शेयर करना चाहते हो।
जो आपके दिल की कैफियत है उसके जो तासुरात हैं वो आप हमसे बयान करें। वो क्या तासुरात बयान करें, बच्चा था, लड़का बहुत शरीफ और नेक नमाजी रोजेदार था, किसी से कोई झगड़ा नहीं करता था, और बस वो बच्ची हैं उसके, बस उनका ख्याल रखा जाए, सरकार उन पर ख्याल रखे, और क्या कह सकता हूँ। इमाम हुसैन साहब नाजीन, आप देखिए बच्चियां हैं और शायद मुझे और कुछ कहना भी नहीं है, मेरे लफ्ज भी गुल पड़ रहे हैं, और हकीकत में आज जो सामने आए इसके लिए एक पत्रकार होने के नाते बहुत सारे ऐसे मसले होते हैं, लेकिन कभी कभी शायद इमोशन को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम दुआ करते हैं, आप भी दुआ करें इन बच्चियों के लिए, इनका रोशन मुस्तकबिल हो, और सरकार के जरिए इनको कुछ ऐसी मदद मिले जिसके जरिए इन बच्चियों की तालीम का जिम्मा जो है वो सरकार उठा ले। कैमरे की निगाहों से देखेंगे तो ये पूरा मजमा, ये पूरी लोग जो यहाँ पर आए हैं, लखनऊ को स्तब्ध कर दिया है इस घटना ने। इस दुर्घटना के बाद जहाँ तमाम लोगों के दरमियान, इन घरों, इन चारों फैमिली में जो चार बच्चे यहाँ के इसमें जाबहक हुए हैं, इन्हें कहीं ना कहीं किसी तरीके से जुड़ा हुआ है, कोई किसी का भाई है तो कोई किसी का दोस्त है, या मोहल्ले के नाते यहाँ पर लोग हैं, लेकिन पूरा लखनऊ उमड़ कर एक जगह पर आ जाए तो ये लगता है कि कुछ ऐसा हादसा हुआ है जिस पर ना तो कोई जबानें बोल सकती हैं, ना अल्फाज कुछ और बयां कर सकते हैं। लेकिन हम इन पर हमेशा बात करते हैं, हमेशा दुर्घटनाएं होती रहती हैं और लोग उस पर तबसरा करके निकल जाते हैं। हमारे साथ इस वक्त सीनियर सहाफी मौजूद है, मोहताज तारुफ नहीं है, और एक सहाफत की दुनिया में जब एक इंसान बोलता है उसकी कलम बोलती है तो वो सरकार को भी घेरती है, अपोजिशन के उन तमाम लोगों को जिगर तक भी पहुंचती है और उनसे बात करती है। उबैद नासिर साहब हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे कि इस तरह की दुर्घटनाओं के बाद सरकार का क्या अमल होना चाहिए और कैसे सरकार उन पसमानदगान के जरिए उन लोगों तक जिनके घर उजड़े हैं, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके साथ किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। अदर भाई अल्फाज नहीं है कि आज अपने गम का, अपने अफसोस का इजहार कर सकें, या मरहूमीन के मुतालिकीन से, उनके वालदैन से, उनके बच्चों से, उनके अहलिया से ताज़ियत कर सकें, अल्फाज नहीं मिल रहे हैं मेरे पास। और बस यही दुआ है कि अल्लाह उन सब लोगों को सब्र की तौफीक दे और मरहूमीन को अपने जवार रहमत में जगा दे। जहाँ तक हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इन लोगों को, चूँकि सड़क हादसे में मौत हुई है, इन लोगों को जितनी मदद हो सकती करे। ये सब लोग मिडिल क्लास, बल्कि लोअर मिडिल क्लास के लोग थे, ये लोग खुद कमाते थे, अपने घरों की कफालत करते थे, इसलिए ये हुकूमत की अखलाकी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है कि वो इनके बच्चों के लिए, इनकी बेवाओं के लिए, इनके वालदैन के लिए कोई ना कोई ऐसा इंतज़ाम करे जिससे उन लोगों के घर चल सके, उन लोगों की तालीम का सिलसिला जारी रह सके और उन सब लोगों की कफालत हो सके। ये नौजवान मौतें हमको अंदर से हिला गई हैं। जिस वक्त भी, जैसे ही हम लोगों को ये खबर मिली, ऐसा लगता था जैसे अपने हाथ से कुछ गिर गया हो। एक जगह चार चार मौतें, आप देखिए कि पूरा शहर इस वक्त एकदम इंस्टेंट है, उसकी समझ में आ रहा है कैसे कैसे हो गया। बहुत ही अफसोसनाक वाकया हुआ है। एक बार फिर हम आपके तवसुत से गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि वो इनके ख़ानदान वालों को ज़रूर ज़रूर अच्छी एक आर्थिक मदद दे ताकि इन लोगों का घर चल सके, इन लोगों को कुछ सुकून मिल सके। जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर उन लोगों को आर्थिक मदद मिल जाती है तो उन लोगों को एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी। और योगी जी से हमारी एक पर्सनल अपील भी है कि प्लीज़ इन बच्चों की तरफ तवज्जो दीजिए, इन मरहूमीन के मुतालिकीन की तरफ तवज्जो दीजिए। आप एक योगी हैं, एक इंसान हैं, आपसे हमें बड़ी उम्मीद है। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी इन बातों को सुनेंगे और फौरी तौर से इन चारों घरों के लिए अपनी आर्थिक इमदाद का ऐलान करेंगे। शुक्रिया। नाजीन, हम आपको दिखाना चाहेंगे इन विजुअल्स पर, इस वक्त पुराने लखनऊ का ये पूरा एरिया जहां सारे लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर रखी हैं सुबह से। हम उन मुतालिकीन से भी मिले, उनके बच्चों को देखा, शायद मेरे पास भी अल्फाज कम हो जाएं, उन छोटे छोटे बच्चों की आहें शायद दिल के अंदर से सुनी जा सकती हैं। तो जैसा कि हमारे सीनियर सहाफ़ी ने आपसे अपील की है, तो मैं भी ये अपील करना चाहूँगा कि वो तमाम पिलर्स जो अपने घर के घर को चलाने में मदद करते थे और उन पिलर उन सतूनों का गिर जाना उनके घर पर बड़ी आफत है, तो हम उम्मीद भी ये करेंगे कि कोई उम्मीद पर कायम है कि सरकार जरूर देखेगी। उसमें से एक खास बात यह है कि एक बच्ची है जिसके दिल में प्रॉब्लम है, उसको कुछ सिंड्रोम्स है और उसके उसको आर्थिक मदद की शीघ्र शीघ्र जरूरत है। तो हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस जरूर देखेगी और मुतालिकीन के साथ और उनके बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए जरूर कुछ ना कुछ काम करेगी। इस दुर्घटना के बाद यकीनन हम समझ सकते हैं कि जहां आदमी की संवेदनाएं और उसके एहसास हैं, अल्फाज में कहना मुश्किल हो, लेकिन इसके बावजूद आप देख रही हैं पूरे लखनऊ यहां पर सिमटा हुआ है, आपका क्या कहना होगा? जी, पहले तो मैं
बहुत सदमे में हूँ ये सोच कर कि मतलब एक साथ हमारे ही क्षेत्र के चार लोगों की मौत हुई है जो कि अपने घर के जिम्मेदार थे और कहीं ना कहीं वो किसी तरह जिस तरह से सभी को पता है कि रोज़गार सब चारों तरफ ठप हो चुका है, वो रोज़गार के लिए गए हुए थे और किसी तरह अपने घर का पालन पोषण कर रहे थे और अचानक इस हादसे से उनके घर वालों पे जो असर हुआ है या उनकी फैमिली पे जो असर होगा ये मतलब हम सिर्फ मुंह से ज़बान से कह सकते हैं, सोच नहीं सकते, फील नहीं कर सकते। और मैं बस सरकार से यही निवेदन करूंगी और उनसे अपील है कि आर्थिक तौर से जिस तरह से वो कमज़ोर भी हैं पहले से ही और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करी जाए क्योंकि जब इस तरह से मौतें होती हैं तो सब कुछ एकदम से बिखर जाता है और उसको समेट पाना घर वालों के औरत के बस की बात नहीं होती है। अगर उनको आर्थिक मदद मिल जाएगी तो शायद वो आगे चल के अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। जैसा कि सारे मतलब चारों शादीशुदा हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से लेके वहाँ तक कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको अफसोस ना हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो। यहाँ पर मैंने देखा है, इस एकता को देखने को मिली है कि यहाँ पर हर धर्म की दुकानें हैं इस तरह, इस यहाँ पर इमामबाड़े से लेके यहाँ तक। तो जिस तरह से एकता का मुजाहरा किया है ये बहुत अच्छी बात है और मैं चाहूँगी कि इसी तरह का एकता का मुजाहरा सब करते रहें और सरकार से यही अपील है कि आर्थिक तौर से परिवार की, चारों लोगों के परिवार की मदद करी जाए ज़्यादा से ज़्यादा। शुक्रिया बहुत बहुत। इस वक्त पुराने लखनऊ के छोटा मामबाड़ा एरिया में हूँ और यहाँ पर आप देख रहे हैं जिस तरीके से जन सैलाब है और इन चार जनाजों को लेकर लोग निकले हुए हैं। इस भीड़ ने सब लोगों को स्तब्ध कर रखा है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग आए हुए हैं और यहाँ किसी न किसी तरीके से इन चारों बच्चों का किसी न किसी तरीके का कनेक्शन था, कोई इनका भाई था तो कोई इनके रिलेशन में था, लेकिन इसके बावजूद मानवता के साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ मोहल्ले के नाते बल्कि इस एरिए के नाते यहाँ पर आए हुए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि लोगों को इस तरीके के हादसे के लिए लोग दुआ करें कि ऐसे हादसात ना हुआ करें और लेकिन ये अल्लाह की मर्जी है जिसको कोई रोक भी नहीं सकता, लेकिन हमारी दुआएं उन बच्चों के साथ हैं जो छोटे छोटे बच्चे ये चारों परिवार के ये चारों लोग छोड़ कर गए, उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए हम सब दुआ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये तमाम बच्चे अपने वालिदैन का नाम जरूर रोशन करेंगे। और सरकार से फिर मेरी विनती है कि इन तमाम जो गए हैं अपने इस दुनिया को छोड़कर उनके परिवार और स्पंदगान के लिए कहीं ना कहीं कुछ आर्थिक पहलू को तलाश करें और उनकी मदद करें। इमरान हैदर के साथ मैथर काजमी, लिमरा न्यूज़, लखनऊ।